दोस्तों, मनोबल का अर्थ है मन का बल या मानसिक बल। एक शारीरिक बल होता है, दूसरा मानसिक बल होता है। शारीरिक बल की सीमा होती है, लेकिन मानसिक बल की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसे मनोबल कहा जाता है। जिस प्रकार मन असीमित होता है, अनंत दिशाओं की यात्रा करता है, उसी प्रकार मानसिक बल को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। मन से पहले विचार पैदा होता है और विचार से संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। विचार और मन एक साथ ही मनुष्य की कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। जैसा मन वैसा विचार, और ठीक उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र। कहते हैं, मन अनंत दिशाओं में घूमता रहता है, एक क्षण में यहाँ तो दूसरे क्षण में हजारों मील दूर। ऐसा इसलिए क्योंकि मन भाव है, पदार्थ नहीं। पदार्थ गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, भाव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए विज्ञान भी मानता है कि विचार 1 सेकेंड में पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर सकता है। आजकल का जीवन तेजी से बदल रहा है और हम सभी को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सकारात्मक मानसिकता और सही मनोबल रखना हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी कभी हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मक मानसिकता को साथ लेकर हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हमें अपने आत्मसंवाद में सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए और हर दिन को एक नए आरंभ का मौका समझना चाहिए। जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे मन में सकारात्मकता है तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे जो भी हो। आत्मसमर्पण और सकारात्मक मानसिकता ही हमें अपने जीवन को हकीकत में बदलने की सहारा देगी। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने जीवन में लाएं और हर कदम पर खुद को मजबूत बनाएं। हम सभी महान हैं और हमें अपनी महानता को पहचानने का समय आ गया है। ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें।